प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मीडियन एडी। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं एबी और बीसी और मीडियन एडी। एक अन्य त्रिभुज पी क्या हुआ, एक अन्य त्रिभुज पी क्या हुआ पर क्रमश भुजाओं पी क्या और क्या हुआ तथा माध्यिका पीएम। पी क्या और क्या हुआ और माध्यिका पीएम के समानुपाती है, यानी कि एक त्रिभुज की ये दो भुजाएं और माध्यिका एडी, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और माध्यिका एडी के समानुपाती है। हमें दिखाना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्या आर। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हमारे पास दिया गया है या दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्या आर में एबी बीसी और एडी, एबी बीसी और एडी दो भुजाएं और माध्यिका दूसरी त्रिभुज के दो भुजाओं और माध्यिकाओं के समानुपाती है, यानी कि बटे में पी क्यू क्यू आर और पीएम समानुपाती है। ये हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया। जो चीज दी थी उसने कहा था कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी और माध्यिका एडी, दूसरे त्रिभुज पी क्या हुआ की भुजाएं पी क्या हुआ और माध्यिका पीएम के समानुपाती है, तो ये हमने लिख दिया। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरी बात और ये और बताना पड़ेगा कि एडी जो एडी है वो माध्यिका है, एडी त्रिभुज एबीसी तथा पीएम त्रिभुज पी क्या हुआ की माध्यिकाएं हैं। अब इन माध्यिकाएं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एडी माध्यिका है ना, तो एडी है जो वो भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी। एडी त्रिभुज एबीसी में माध्यिका है तो जो एडी है वो बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी, इसका मतलब बीडी बराबर है डीसी। ठीक इसी तरह से यहां से क्यू एम बराबर है एम आर, एम आर थोड़ा और भी आगे हमें यूज करना पड़ सकता है। अब आप देखो हमें सिद्ध क्या कर रहे हैं, चलो बाकी का बाद में देखेंगे, हमने यहां लिख दिया इतना फिलहाल। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो समरूपता के लिए ए बी और बी सी पी क्यू और क्यू आर के अनुपात में तो है, एक भुजा रहती है, या तो हम एक भुजा जो बच गई है उसको भी अनुपात में दिखा दे या कोई कोण बराबर दिखा दे, ऐसा कुछ कर दे। अगर हमने तीसरी भुजा भी अनुपात में दिखा दी तो भुजा 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 समरूपता नियम लग जाएगा, अगर एक कोण और दिखा देते हैं तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम लग जाएगा। अब हमें देखना है कि कर क्या सकते हैं। अब आप देखें अगर इसका प्रमाण देखें, इसका प्रूफ देखें, उत्पत्ति आप देखें, क्योंकि एडी जो एडी है बीसी को समद्विभाजित करती है, इसलिए वैसे तो हमने लिखा है एडीबीसी को समद्विभाजित करती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बीडी बराबर है डीसी।
बीडी डीसी के बराबर है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो बीसी है वो बीडी की डबल है। जितनी बीडी है उतनी ही डीसी है, और बीसी क्या है, इसकी भी डबल है, इसकी भी डबल है। तो मैं लिख सकता हूं बीसी के डबल है किसकी, बीडी की। बीडी और बीडी मिलकर बीसी बन जाएगी, जितनी ये है उतनी ये है, तो बीडी और बीडी मिलकर बीसी बन जाएगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बीडी बराबर है एक बटा दो बीसी। और मैं लिखता हूं इसी प्रकार यहां पे क्यू आर बराबर है यहां पे हमने बीडी लिया ना, बीडी यहां पे क्यू एम होगा, क्यू एम बराबर है 1/2 QR। तो ये हमने दो रिजल्ट निकाल लिए इससे, और रिजल्ट तो कई सारे निकलते हैं कि ये इसके बराबर है, और ये जो पूरी है इसकी भी डबल है और इसकी भी डबल है, या फिर ये कहें कि ये है जो बीडी ये पूरी की आधी है। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे कि जो बीडी है वो बीसी की आधी है, इसी तरह से क्यू एम है जो वो आधी है क्यू आर की। अब ये हो गया हमारे पास। अब आप देखिए हमारे पास समीकरण एक से क्या दिया है, समीकरण एक से क्या है हमारे पास, ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर, और ए डी बटे में पी एम, ये हमारे पास है। अब आप इसमें कोई भी एक ऐसा मान निकाल सकते हो जिसकी वैल्यू आप यूज कर पाओ। आप देखें बीसी हमारे पास कितनी है, डबल है बीडी। तो ए बी बटे में पी क्यू, बीसी की जगह पे लिख सकते हैं हम 2BD, और क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो क्यू आर की जगह पे यहां पे जैसे ये बना था ना, यहां पे हम लिखेंगे क्यू आर है जो, हम यहां पे लिख सकते हैं कि क्यू एम बराबर है एम आर, या फिर क्यू आर हमारे पास किसके बराबर है, डबल होगा क्यू एम के। तो हम क्यू आर की जगह पे 2 QM लिख सकते हैं, और ये ए डी बटे में पी एम लिख दिया। अब आप ये देखें 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो क्या बचा, ए बी बटे में पी क्यू, और बी डी बटे में क्यू एम, और ए डी बटे में पी एम। अब देखो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में क्या है हमारे पास, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी डी बटे में क्यू एम बराबर है ए डी बटे में पी एम। इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम के त्रिभुज समरूप होगी। तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में अब हमारे पास कोण बी और कोण एम बराबर हो गया, कोण बी और कोण एम बराबर हो गया, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हमें जो प्रूव करना है उसको त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी बटे में पी क्यू और बी सी बटे में क्यू आर तो बराबर था समीकरण 1 से, पूरा लिख देगा आप समीकरण 1 से, और
कोण बी बराबर है, कोण कोण बी किसके बराबर था, कोण कोण बी हमारा कोण क्यू के बराबर था, कोण क्यू के, कोण क्यू के बराबर है। ये हमारे पास समीकरण दो से, समीकरण दो से। अब आप देखें कि एक त्रिभुज की का एक कोण बराबर हो गया, एबीसी में कोण बी और पी क्यूआर में कोण क्यू, और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपात में होगी। देखो कोण बराबर, उनको बनाने वाली भुजाएं समानुपात में होगी, तो इसका मतलब कौन सा नियम लग गया, नियम हमारे पास कौन सा लग गया, एस ए एस समरूपता कसौटी के अनुसार, कसौटी के अनुसार हम लिख देंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये हमारे पास दो त्रिभुज है समरूप हो। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको क्वेश्चन, दोबारा से एक बार बिल्कुल फास्ट देखते हैं क्या हुआ इसमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। उसने दो त्रिभुजें दी हुई हैं, अब इसको छोड़ते हैं, समझना है इसको। दो त्रिभुजें दी हुई हैं, उसने कहा कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में एबी बटे में पी क्यू, बीसी बटे में क्यू आर और एडी बटे में पीएम बराबर है। ये दिखाना है कि ये त्रिभुज इससे समरूप है। अब देखो भाई, एबी और पी क्यू, बीसी और क्यू आर, दो तो समानुपात में होगी, या तो हम तीसरी को समानुपात में दिखा दें या फिर एक कोण बराबर दिखा दें। अब उसके लिए उसने एक कंडीशन दी हुई है कि एडी और पी क्यू माध्यिका है, एडी और पी क्यू माध्यिका है। यहां से हमारे पास ये बना है। अब ये जो कंडीशन बनी है एबी बटे में पी क्यू, ये हमने एज इट इज यूज कर ली, और एडी बटे में पीएम ये हमने एज इट इज यूज कर ली। देखो एबी और एडी यूज हो गया, यानी कि हमने ये ट्रायंगल ले ली और यहां से ये ट्रायंगल ले ली, तो हमें इन साइडों के बीच में कुछ रिलेशन दिखाना है। अब ये जो साइड है इस पूरी की क्या है, आती है, तो बीसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, टू बी डी, बस इतना काम किया है। बीसी की जगह पे टू बी डी लिखा है और क्यू आर की जगह पे टू क्यू एम लिखा है, टू बी डी और टू क्यू एम, टू के साथ टू कट गया। अब ये दोनों त्रिभुजें कैसी होगी, ये वाली दोनों त्रिभुजें कैसी होगी, क्योंकि ए बी बटे में पी क्यू हो गया, बी डी बटे में क्यू एम हो गया और ए डी बटे में पी एम हो गया, दोनों त्रिभुजें समरूप होगी तो संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण बी और कोण क्यू बराबर हो गया। अब दो बड़ी त्रिभुजों की बात करें तो दो भुजाएं तो पहले ही समानुपात में थी, तो इनका बना इन भुजाओं से बनने वाला कोण बी था और यहां से कोण क्यू था, ये भी हमने बराबर दिखा दिया, तो कौन सा नियम लग गया, एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजें कैसी होगी, समरूप होगी। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।